भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच आज तलाक मामले में आरा कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे। उनके पहुंचते ही हजारों की संख्या में उनके फैन भी कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में काफी देर की बहस के बाद भी मामला नहीं सुलझा। आइए आपको सुनाते हैं दोनों पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा। कि हम लोगों ने तलाक का मुकदमा दायर किया है तो हम लोगों ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, एक बार जो आपको ये है हम लोग जमा कर देते हैं और तलाक कर लिया जाए। तो यही स्थिति है, हम लोगों के समक्ष है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने दोनों पक्ष से बातचीत किया और न्यायाधीश महोदय ने कहा कि वन टाइम सेटलमेंट की बात है तो वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए। हम लोगों ने वन टाइम सेटलमेंट करने का ऑफर दे दिया है। उन लोगों ने कहा है कि विचार करके हम बताएंगे। काफ़ी लंबी बहस हुई है दोनों बहुत दोनों के बीच, बहुत देर तक से रिकन्सिलेशन का काम हुआ है। क्या सर साथ रहना चाहते हैं या दोनों? नहीं, साथ तो रहना ही नहीं। ज्योति सलाख साथ रहना चाहती हैं? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि हम साथ, उनकी जो न्यायालय में जो बोलेंगे वही ना हम मानेंगे। सेटलमेंट में क्या क्या डिमांड हुआ है? सेटलमेंट में उन लोग का कोई अभी ये नहीं है। हम लोगों ने कह दिया है कि वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन उनके फादर की मानसा अच्छा नहीं है, वो उनकी मानसिकता बदलती रहती है। ज्योति सिंह अमाउंट भी तय हुआ है वन टाइम से ना? अभी हम लोगों ने, अब वो लोग कहे तब, हाँ उस पर राजी नहीं है। अब जैसा होगा मैडम, दो चार दिन के बाद निर्णय करके दोनों पक्ष के अधिवक्ता बताएंगे। अभी अगली तारीख नहीं, तारीख नहीं, दो चार दिन के बाद हम लोग निर्णय कर। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुदामा। आप कौन से पक्ष के हैं? हम पवन सिंह के तरफ। और दोनों आदमी को साथ न्यायालय ने रखा, बातचीत की आपस में लोग, हम लोग से था हम लोगों का बात, जो भाई 10 करोड़ रुपया जिसमें 8 करोड़ तक हम लोग रखे थे, 8 करोड़ मिलेगा तो हम लोग तब सीधा कर लेंगे, आपसी हम लोग का जो बात हुई थी उसमें। लेकिन कोर्ट में बात चली तो लोगों ने कहा जे साहब नहीं, हम रहने के लिए एक मकान दे देंगे उनको और उनको पढ़ाई लिखाई का सारा पैसा एकमुश्त दे देंगे। तो हम लोगों ने उसको इनकार किया, हम लोगों को माने नहीं, तो रिकॉन्सिलेशन भी फेल कर गया। लेकिन कोर्ट आगे देखिए क्या करते हैं, हाकिम क्या करते हैं। कौन से रखने के ज्योति? नहीं नहीं नहीं, रखने का, रखने पर तैयार नहीं, तैयार नहीं, नहीं। आप लोग रखने का अपील किए हैं? अपील क्या करना, रखने का जाएंगे तो हम तैयार हैं जाने के लिए। उनका ना डाइवोर्स केस है, हम लोग का थोड़े डाइवोर्स केस है। डाइवोर्स ज्योति सिंह की रहना चाहती है? हाँ, कहीं नहीं रहेगी, रखेंगे तो रखेंगे, रहेगी। पवन जी ने क्या कहा? उन्हें रखना चाहते हैं। ये फाइनल जजमेंट है? फाइनल जजमेंट अभी कहाँ से आ जाएगा, अभी तो चल रहा है, अभी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसी पर रिकॉन्सिलेशन आपको फेल कर गया। साहब हम लोग उस मांग को स्वीकार नहीं किए, रहने का किसी शहर में मकान और पैसा वाले जो था जो पढ़ाई का सारा पैसा देंगे, उनके फादर ये लोग आए थे, वो लोग डिनाइल किए कि हम लोग स्वीकार नहीं, हम लोग केस लड़ेंगे, यही हुआ। क्या नाम है आपका? विष्णुधर पांडे। आप किसके पक्ष के? हम लड़की पक्ष के हैं। ज्योति सिंह के पक्ष। आपने सुना, अब चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल इस मामले में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की पहली बार पेशी नहीं हो रही है, इससे पहले भी इनकी इस कोर्ट में पेशी हो चुकी है। बुधवार सुबह दोनों कोर्ट पहुंचे, पवन सिंह के साथ उनके ढेरों समर्थक मौजूद रहे, वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी अपने वकील और परिवार के साथ दिखी। दोनों को देखने के लिए कोर्ट के अंदर और बाहर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। पवन सिंह ने 2018 में यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। तलाक का मामला होने के बाद ज्योति सिंह बीते कई महीनों से अपने मायके में रह रही हैं। पवन सिंह अपने पैतृक गांव आरा के जोखरी से बारात लेकर गए थे। अब रिश्तों में खटास के बाद बात कोर्ट तक पहुंच गई है। ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे का कहना है कि मेरा पक्ष यानी ज्योति सिंह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। उनके द्वारा उन पर इतना अत्याचार किया गया, बावजूद वह साथ रहने को तैयार हैं, और साथ नहीं रहना तो 8 करोड़ कंपनसेशन के रूप में दे ताकि ज्योति की पढ़ाई लिखाई और जीवन गुजारा हो सके। लेकिन पवन सिंह की पक्ष की बात करें तो किसी शहर में एक मकान और सिर्फ पढ़ाई का खर्च देने की बात वे कर रहे हैं, जिसको ज्योति के पिता ने खारिज कर दिया है। इस वजह से काउंसलिंग की बात फेल हो गई। अब कोर्ट के हाथ में फैसला है कि जज क्या निर्णय लेते हैं।